बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी से हम अनुरोध करेंगे कि भगवान परशुराम व बाबा साहब को पुष्प अर्पित
साथियों से अनुरोध है कि सब लोग बैठ जाए, अगर अपनी कोई बात रखनी है तो बैठते करे, सबको मौका दिया जाएगा बात करने का। बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, सभी लोग अनुशासित रहने का कष्ट करें। बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारे बीच मुख्यमंत्री जी काफी दूर से चल के आए हैं, हम सभी लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने आए हैं। सभी लोगों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, जिससे आगे का कार्यक्रम शुरू हो सके। अब हम माननीय मुख्य अतिथि जी को गौरव प्रदान करके
स्वागत करेंगे। हमारे बीच क्या जिला पंचायत सदस्य आए हुए हैं? जिला पंचायत सदस्य
इजाजत है बोलने की। अब बोल रहे इसके बाद मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण सदस्यगण यहाँ पर आए हुए भी बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध समाज बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक और यहाँ पर आए हुए मीडिया के साथ भाइयों आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे और आने में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी लखनऊ पधारे थे और वहां पर लखनऊ में लगभग 1.5 घंटे का सड़क जाम हो गया था कर दिया गया था उसकी वजह से हम लोग आपको आ गया थोड़ा आने में विलंब हुआ लेकिन यहां पर आकर के आप लोगों को आप लोगों का जोश देख करके और आप लोगों की इतनी बड़ी अपार संख्या में यहाँ मौजूदगी देख करके हमें ये विश्वास हो चला है कि जो विश्वास हम करते चले आ रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में जो घूमते हुए आ रहे हैं आप यहाँ आने के बाद अब 15 जिले बचेंगे 75 में वरना ये 60वां जिला होगा जब हम लोग 23 जुलाई से चले थे और अभी तक आपके बीच में लेकिन यहाँ आते आते आपको देख करके ये विश्वास हो गया है कि अब की बार सन 2022 में बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाली है और जो संकल्प आपने अभी लिया है जो श्री नंदन दुबे जी ने आपको दिलाया है वो संकल्प जो है आपका चिरार्थ जरूर होगा और बहन मायावती जी इस प्रदेश को एक कानून द्वारा कानून का राज दे करके यहाँ दोबारा से खुशहाली साबित काम अवश्य करेंगे भाइयों 23 जुलाई से हम लोग निकले हैं और अयोध्या से हमने कार्यक्रम शुरू किया था अयोध्या से निकल करके उसके बाद हमारा पहला दौर जो था अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के बाद शुरू किया था दूसरा हमारा दौरा शुरू हुआ जब उधर के सब जिले कर लिए तो हम लोग वृंदावन मथुरा गए वहां बांके बिहारी जी के दर्शन करके फिर वहां के सारे कार्यक्रम उसके बाद हम लोग वाराणसी गए और वाराणसी में जाके श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके फिर उधर के जितने जिले थे उनका कार्यक्रम शुरू किया और उनको करने पूरा करने के बाद हमारा चौथा जो कार्यक्रम जो शुरू होना था वो हम लोगों ने कल शुरू किया हम लोग चित्रकूट गए और चित्रकूट में दर्शन करने के बाद और कांवड़गिरी के परिक्रमा करने के बाद
उसके बाद हम लोगों ने चित्रकूट की सभा की बांदा की और बुंदेलखंड का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, जो कि इस समय बुंदेलखंड में हम लोग पूरे जितने भी जिले हैं उनको करने के उपरांत ही अब इसके बाद वापस लौटेंगे। लेकिन ये निश्चित कर लिया था पहले ही दिन 23 जुलाई को ही कि जब तक पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है और हम लोग हर जिले में जाकर के अपनी बात अपने लोगों के बीच में रखने का काम जरूर करेंगे। आज आपने मौका दिया, आपके बीच में आने का मौका मिला, आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप याद करिए, आपने 3-3 सरकारें देख ली है पिछले 15 वर्षों में, 14.5 वर्षों में। आपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी 2007 से 2012, फिर आपने 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार देखी और 17 से लेकर के अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। अब तीनों सरकारों आपके सामने हैं, आपको निर्णय लेने में बहुत दिक्कत नहीं आने वाली, तीनों के क्रियाकलाप आपके सामने हैं और एक सरकार थी जो 2007 से 12 चली थी वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार चली थी, उसमें हर कोई को साथ में लेने का काम चला था, विकास का दौर चला था, किसी भी समाज को पीछे छोड़ने का दौर नहीं किया था, चाहे वो हमारे दलित समाज के भाई बहन हो, हमारे ब्राह्मण समाज के भाई बहन हो, हमारे बैकवर्ड समाज के भाई बहन हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सभी को लेकर के और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने आगे बढ़ने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में एक विकास का दौर किया। न कोई दंगा फसाद होता था, लोग न कोई लूटमार डकैती और फिरौती और इस नाम की चीज नहीं होती थी जो समाजवादी पार्टी में होती थी। याद करिए किस तरह से बलात्कार, लूटमार, डकैती, फिरौती, हर तरह के दंगे, फसाद, ये सब समाजवादी पार्टी में 2007 के पहले हो रहे थे, 2003 से लेकर के और 2012 तक इस गंजर को सबने देखा, किस तरीके से हत्याएं हो रही थी, किस तरह से लोगों के अपहरण हो रहे थे, सब कुछ देखने का काम किया और हमारे उद्योग लगाने वाले और उद्योगपति और शायद दुकानदार हो वो बहुत आतंकित रहते थे क्योंकि उनसे हफ्ता वसूली की जाती थी और उनको आतंकित किया जाता था। लेकिन बहन मायावती जी की सरकार थी जब 2012 में आई तो इन लोगों की जगह कहां मिली, इस तरह के जो ये कार्य करते थे इनको जो उनकी असली जगह है और वो है जेल की सलाखों के पीछे, बहन मायावती जी ने इनको वहां भेज दिया। याद करिए कि 2007 के पहले सब समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज का क्या हाल था, ब्राह्मण समाज की क्या हैसियत थी, कहां पर पहुंचाने का काम इन लोगों ने कर दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार तो 2003 में आई, 2002 के ही समय ब्राह्मण समाज का अस्तित्व होने का वक्त आ गया था, जबकि 6 से 7 खाली ब्राह्मण समाज के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लोग चुन करके आए थे और ऐसे में ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनसे मिलकर के कहा था कि ब्राह्मण समाज शून्य पर पहुंच रहा है, आप लोग कुछ करिए, अपनी पार्टी में रहकर के कुछ करिए। और तब बहन मायावती जी की इजाजत से पूरे उत्तर प्रदेश में हम घूमे थे और उत्तर प्रदेश में घूमते हुए हम आपके जिले में भी आए, हर जिले में गए थे इसी प्रकार से और हमने ब्राह्मण समाज के लोगों से कुछ बातें कही, 2-4 बातें जो कही थी उस समय, कई बातें कही थी लेकिन कुछ मुख्य बातें थी वो आज भी दोहराना चाहेंगे। याद करिए हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में छोटा मोटा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं है, 16% ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 13% तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है और 16% जहां 25 करोड़ लोग रहते हो तो 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं और फिर भी ऐसी हालत क्यों है, ऐसी दशा क्यों बनी है, इसके बारे में सोचना चाहिए। ब्राह्मण समाज तो बुद्धिजीवी समाज है और वो नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा, वो अपने बारे में तो सोचे पहले और धारणा सोचना चाहिए। और क्या कारण था ब्राह्मण समाज का इस स्थिति में पहुंचने का, और वो ये था कि वो आपस में ही एक दूसरे को के साथ में नहीं बैठ पाते, एकजुट नहीं होते, एक साथ नहीं होते। अगर समाज का एक व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, वो आगे चल रहा है तो बाकी के लोग उसको खींचने की कोशिश करते हैं, आपस में बंटवारा करते हैं, आप 20 विश्वास, 16 विश्वास, 12 विश्वास इसी में भिड़ रहते हैं, हम तो कान को जाए तुम सनाट्य हो, सर्जुकारी ब्राह्मण हो, इसमें भिड़ रहते हैं, वो आपस में बंटवारा करके फिर छोटे छोटे टुकड़ों में रह जाते हैं।
जिस दिन ये आपस का बंटवारा खत्म होगा, हमने ये बात कही थी, उसी दिन आप एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे, तीन जोड़ों की संख्या में आपके जाएंगे, और जब तीन जोड़ों की संख्या में होंगे आप एक साथ, तो आपको देखने के लिए हर कोई मजबूर हो जाएगा। आप लोग इकट्ठा हुए, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, एक साथ हुआ, एकजुट हुआ, और 9 जून 2005 को फिर हमने जो आखिरी सम्मेलन लखनऊ में किया था, उसमें ब्राह्मण समाज के 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, और उसमें 11,000 लोगों ने शंखनाद करते हुए बहन मायावती जी का स्वागत भी करने का काम किया था, क्योंकि वो मुख्य अतिथि के रूप में थी। हमने जब बहन मायावती जी को गणेश जी की प्रतिमाओं के हाथों में दी थी ब्राह्मण समाज की तरफ से, तो उन्होंने ले जाकर के मंच में जो पहले शब्द बोले थे, उन्होंने यही कहा था, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा है। और इसके बाद उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाने का काम किया था, और इसके साथ ही साथ उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके, ब्राह्मण समाज जो समय इतना ताकत अपनी इकट्ठा करके बावजूद मौजूद था, उसकी खुद की तैयारी को देख करके बहन मायावती जी ने फिर उस दिन अपना नारा भी बदल दिया था, पुराना वाला जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसको बदल करके उन्होंने नया नारा दिया था, जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उस हिस्सेदारी के तहत में बहन मायावती जी ने फिर एक दो नहीं 85 सीटों पर उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को लड़ाने का काम किया था, जिसके पहले 40 सीटों पर लड़े थे उन्होंने 85 पर लड़ाने का काम किया था। और चूंकि ब्राह्मण समाज ने भाईचारा बना लिया था, भाईचारा किसके साथ बनाया था, हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए हमने कहा था कि आप 16% इकट्ठा हो जाएंगे तो भी आप एक भी सीट नहीं जीत सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब एक भी सीट क्यों नहीं जीत सकते, क्योंकि 16% से वोट आप एक भी सीट नहीं जीत सकते, सीट जीतने के लिए आपको कम से कम 30% के ऊपर चाहिए, और इसलिए आपको भाईचारा बनाना चाहिए। और किसके साथ भाईचारा बनाइए, आप 23% जो दलित समाज के भाई बहन हमारे हैं, जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, तो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ भाईचारा बनाइए। जब आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे तो 23% और 16% मिला करके ही 40 के करीब पहुंच जाते हैं, और इतनी भारी संख्या में हो जाते हैं कि आप जो है उत्तर प्रदेश की हर सीट पर खाली पड़ सकते। लोग उन्होंने भाईचारा बनाया, इकट्ठा हुए और नतीजे भी सामने आए। जब नतीजे निकले तो जहां 3 सीटों पर हम लोग पहले जीते थे बहुजन समाज पार्टी से, वो गिनती बढ़ करके 45 सीटों पर पहुंची और 45 में हम लोग जीत गए। और इतना ही नहीं, ये एक तरफा नहीं रहा, ब्राह्मण समाज ने भी भाईचारा बना करके, चूंकि ब्राह्मण समाज के लोग जहां लड़ रहे थे वहां दलित समाज के भाइयों बहनों ने बढ़ चढ़ करके अपनी पूरी ताकत लगा करके तन मन धन से उन्होंने उनको जिताने में अपना योगदान दिया और उनको जिताने का भी काम किया। और इसका नतीजा ये निकला कि जब ब्राह्मण समाज के लोग जीते तो ब्राह्मण समाज ने भी उनको पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने भी दलित समाज के जो लोग लड़ रहे थे सुरक्षित सीटों में लड़ रहे थे उन्होंने वहां पर भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और तन मन धन लगा करके जो सुरक्षित सीटें थी उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको जिताने का काम किया। और उसी का नतीजा निकला कि 16 सीटें हम लोग जीते थे सिर्फ 2007 में 2002 में, लेकिन 2007 में जब गिनती खुली तो 16 से बढ़कर के 62 पर पहुंच गए। लेकिन पहलवान जी ने ब्राह्मण समाज को जब उसने वादा किया था कि अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ खुल के हैं, तो हम आपका मान सम्मान स्वाभिमान जरूर लौटाने का काम करेंगे, और उसको लौटाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बहन मायावती जी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ करके सम्मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने 15 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाने का काम किया, 35 के करीब उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं, आधा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को विधान परिषद में भेजने का काम किया ब्राह्मण समाज के, और विधान परिषद में भेज करके विधान परिषद का नेता भी ब्राह्मण समाज का, उन्होंने अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया विधान परिषद में। उन्होंने राज्यसभा में हमको
नेता बनाने का काम किया और पिछले 17 वर्षों से बना के रखा हुआ है। उसी के साथ साथ उन्होंने लोकसभा में भी उस समय उपनेता ब्राह्मण समाज का बनाया था और आज तो लोकसभा में भी कौन बहुजन समाज पार्टी का नेता बहन मायावती जी ने ब्राह्मण व्यक्ति को नितेश पांडे को बनाने का काम किया हुआ। उन्होंने पहला महाधिवक्ता, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, लॉ सेक्रेटरी, ये सब के सब जो महत्वपूर्ण पद थे उसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की नियुक्ति की और उन्होंने उसके साथ साथ में 5,000 से ज्यादा सरकारी वकील, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ और जितनी भी अदालतें थी लोग नीचे की उन सब में उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को वकील बनाने का काम किया, सरकारी वकील बनाने का काम किया। उनका मेहनताना भी 10 गुना बढ़ा करके सम्मानजनक मेहनताना पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने जितने भी अधिकारी थे, चाहे पुलिस में हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे IAS हो, PCS हो, PPS हो, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोग जो आज इधर तक फेंक दिए गए हैं उनको उन्होंने सही जगह पर बैठाने का काम किया था, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से तो लोगों के काम होते हैं, इसलिए उनको भी उचित स्थानों पर बैठाने का काम बहन मायावती जी ने उस समय किया। उन्होंने आस्था के स्थान जो है ब्राह्मण समाज के उन सब में बढ़ चढ़ करके काम करने का काम किया। उन्होंने वाराणसी में जितने 80 घाट है उन सबको सुधारने का काम किया, नए घाट बनाने का काम किया, फ्लाईओवर बनाने का काम किया, वाराणसी का सुधार करने का काम किया। उन्होंने वृंदावन में 550 करोड़ रुपए खर्च करके वृंदावन का संपूर्ण विकास करने का काम किया। वहां तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब कुछ देने का काम किया। वहां सीवर लाइन नहीं थी, वाटर लाइन नहीं थी, वहां पर हॉस्पिटल नहीं था, 100 बेड का हॉस्पिटल दिया, सीवर लाइन थी, वाटर लाइन थी, सड़कें थी। उन्होंने परिक्रमा के लिए पूरी वृंदावन में से लेकर के गोवर्धन तक की परिक्रमा के लिए पूरा इंतजाम किया, सड़क कच्ची पक्की और मिट्टी वाली सब तरह की सड़क बनाने का काम किया। उन्होंने वहां विधवा आश्रम बनवाया, बस अड्डा नहीं था बस अड्डा बनवाया, बिजली नहीं आती थी बिजली घर बनाने का काम किया। उन्होंने विधवा आश्रम बनाया, उन्होंने वहां का मेला घोषित करने का काम किया। जिस तरीके से उन्होंने बिठूर में कानपुर में जहां सीता मां रही थी जाकर के उन्होंने वाल्मीकि आश्रम बनाने का काम किया, उसको ठीक करने का काम किया, सीता रसोई को ठीक करने का काम किया, समग्र विकास बिठूर का करने का काम किया। जिस तरीके से अयोध्या में जो सरयू नदी पे खान है उनको ठीक करवाने का काम अपनी सरकार ने किया, उसके अलावा अयोध्या में कोई कमी नहीं। हम तो 23 तारीख को कहते इस सरकार में तो अयोध्या के नाम पे ब्राह्मणों से खूब वोट मांगा, औरों से भी मांगा, आस्था के नाम पे वोट मांगा और आज तक मांगते रहते हैं, लेकिन अयोध्या में क्या किया इन्होंने? कभी जाके तो देखिए, अयोध्या शहर की तो ऐसी हालत खराब है, इतनी बदतर हालत है जितना इस शहर इस पूरे प्रदेश में सबसे खराब अगर कोई शहर होगा उससे ज्यादा खराब अयोध्या के हालात कर रखे हैं। पिछले साल कहा जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया जो कि इनकी बदौलत नहीं आया था, वो तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था और निर्णय आने के बाद इन्होंने कहा था कि हम यहाँ 1 साल के अंदर मंदिर बना देंगे। हम तो 1 साल के बाद अयोध्या गए, 23 तारीख को हम गए अयोध्या, 4 अगस्त 2020 को इन्होंने वहां भूमि पूजन का नाटक किया था, भूमि पूजन तो नहीं किया था, वहां 5 ईंटों का पूजन करके इन्होंने उन ईंटों को भी पता नहीं कहां फेंकने का काम किया, सरयू नदी में डाल दिया या कहीं तिजोरी में बंद कर लिया। आज तक वहां भूमि पूजन नहीं हुआ है न न्यू पूजन हुआ है। और जब हम गए तो हमने देखा कि वहां का कोई न्यू, हम तो सोच रहे थे 1 साल में कह रहे थे मंदिर बन जाएगा, 1 साल में मंदिर छोड़िए, वहां को अभी न्यू बनाने का काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो ये रुपया कहां गया जो 93 से इकट्ठा कर रहे थे, लाखों करोड़ रुपया, इन्होंने लाखों हजार करोड़ रुपया इकट्ठा किया, 93 से लेकर अभी तक सिर्फ रुपया ही इकट्ठा कर रहे हैं मंदिर के नाम पे, यहां से भी विदेशों से भी। और अभी जब निर्णय आया उसके बाद फिर से लोगों को झोला लेके भेज दिया और कहा कि जाओ ये रुपया इकट्ठा करो मंदिर बनाना है, 10,000 करोड़ के ऊपर से फिर से इकट्ठा कर लिए लोगों से पैसा लेने के मांग करके। लेकिन वो पैसा गया कहां, पैसा कहां लगाया? सरकार का 20,000 करोड़ रुपया खजाना इन्होंने कहां है अयोध्या के नाम पे निकाल दिया, वो रुपया कहां गया? या तो ये बताने का काम करें कि रुपया कहां लगाया, और नहीं तो ये कबूलने का काम करें कि
कि ये रुपया कौन ने अपने लेवल पर वसूला है, अपनी पार्टी चलाने के लिए वसूला, अपनी संस्थाओं को चलाने में के लिए वसूला था, और हम वही लगाने का काम कर रहे हैं। मंदिर बनाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, वो तो सिर्फ वोट की एक राजनीति है, वोट लेने का काम है और नोट लेने का काम है। और इसलिए इसको जब हम अयोध्या गए थे तो एतराज था कि हम वहां क्यों गए, क्योंकि जानते थे इनकी असलियत सामने आ जाएगी, इनकी असलियत सामने खुलेगी। वैसे ही ये नहीं चाहते थे कि हम अयोध्या जाएं, लेकिन अयोध्या छोड़िए वाराणसी में जाइए, हम तो वाराणसी भी गए, हम चित्रकूट भी गए, आप वाराणसी जाइए, चित्रकूट जाइए, और हर जगह वही हालत खराब है, उतने ही खराब है जितना अयोध्या की हालत खराब है, उससे ज्यादा इन जगहों की भी हालत खराब है। ये इस समय ये उन लोगों की सरकार है जो कि सरकार आपसे आस्था के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, इनका असली चेहरा ये है। ब्राह्मण समाज के ऊपर किस तरह से हमला हो रहा है आज उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि किस तरीके से 2017 में आते ही 5-5 ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या रायबरेली में हो जाती है, और उनके मंत्री अपनी पीठ ठोक के कहते हैं कि ये तो अपराधी थे, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और जब हम उनके घर गए तो हमने सोचा बड़े भारी अपराधी, वहां तो बहुत पैसा होगा इनके पास, बड़े बड़ी कोठियां होंगी, वहां तो 10x12 की झोपड़ी थी, और झोपड़ी में वो लोग रहते थे, उस झोपड़ी को भी जलाने का काम किया। गोरखपुर में अधिवक्ता की, वरिष्ठ अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या हो जाती है, इलाहाबाद में हो जाती है, लखनऊ में हो जाती है, दिन दहाड़े उठा ले जाते हैं लोगों को और उनको शूट आउट कर देते हैं, और शूट आउट किसको करते हैं, ब्राह्मण व्यक्ति को ले जा करके और उसको गोली मार दी जाती है, और कहा जाता है तो बहुत बड़ा अपराधी है, इसको मार दिया। कानपुर के नाम पे आपने देखा, बिकरू कांड के नाम पे आपने किस तरीके से एक दो को मारी भी, आपने कह रहे थे कि अपराधी है, उसकी गाड़ी पलटती है, वो बाहर निकलता है, उसको गोलियों से मार देते हैं, लेकिन बाकी के साथ क्या किया आपने, आधा दर्जन लोगों को आपने गोली से उड़ा दिया। 17.5 साल का लड़का हरियाणा में काम कर रहा था, उसको उठा जाए और उसकी भी गाड़ी पलट जाती, उसको भी गोलियों से भूनने का काम कर दिया। इस तरीके से एक दो हत्याएं हुई हो तो आपको गिनती बताई जाए, यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में है, और इतना ही नहीं 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के मजबूत किस्म के आदमी जो कानपुर के थे, कानपुर के आसपास के जिलों के थे, उन सबको उठवा लिया, उठा करके उनको जेल के पीछे डाल दिया, किसी एक बिकरू कांड के नाम पर उनको भी उठाने का काम किया और जेल में आज भी बंद कर रखा उनको। तो छोड़िए 16.5 वर्ष की खुशी दुबे जो की पहले खुशी तिवारी थी, उसकी शादी तो 29 और 30 तारीख को हुई थी, पहली तारीख उसका पहला दिन था, उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और मेहंदी जिसकी ना सूखी हो उसके हाथ में बंदूक कहां से आ जाएगी। पहली तारीख को उसका पहला दिन, और 2 तारीख को उसको उठा ले गए, उठा ले जा करके पहले तो क्या स्थान में रखा, फिर 3 महीने तक जेल में रखा, और उसके बाद उसको रिमांड होम में भेज दिया। जब पता लगा ये तो 16.5 वर्ष की है और नाबालिग है, फिर उसकी बेल ना होने पाए, इसके लिए निर्देश हुआ लखनऊ से कुछ भी करना पड़े, किसी स्तर तक गिरना पड़े गिर जाओ, लेकिन उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, खुशी दुबे जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। और इसलिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, वहां की अधीक्षिका से एक फर्जी सर्टिफिकेट लिया, और कहा कि वो कहते हैं वहां पर 48 लड़कियां रहती है, 48वां नंबर खुशी दुबे का, 47 लड़कियां और है वहां, वो कहती है कि वो कहते हैं खुशी दुबे उसे कह रही थी कि अगर हम छूट गए, अगर हमारी बेल हो गई, तो ये हम बता रहे हैं कि हम तो बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे, इस प्रदेश के इतनी बड़े अपराधी बन जाएंगे कि हम अपराधों की छड़ी लगा देंगे, और इसलिए उसकी बेल खारिज करा, ये कह करके फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के उसकी बेल खारिज करा दी। उसको तो छोड़िए, जो घर में काम करती थी महिला, उसके पति को तो मार ही दिया, दोनों पतियों को मार दिया, जैसे खुशी दुबे के पति को मार दिया, और उसके बाद उस महिला को तो नहीं गए, उसके साथ साथ में उसके 2 बच्चे छोटे छोटे, 3 साल का लड़का, 6 साल की लड़की, उसको भी नहीं छोड़ा, और उसको भी ले जा करके उन्होंने वहां जेल के अंदर बंद कर रखा है, और वहां पर उनको भी उन्होंने इतनी धाराएं लगा दी है, कहा है कि इतनी धाराएं लगा दो कि ये जो छोटे बच्चे हैं, ये जेल के ब्राह्मणों के जो बच्चे हैं, ये जेल के अंदर ही बड़े हो जाए, व्यस्त हो जाए, इतने दिन इनको अंदर रखना जरूरी है। और इन्होंने तो दलित समाज के ऊपर भी इसी तरह से खुल के उत्पीड़न किया,
जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर आज उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से लखनऊ में 3-3 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को जिन ने शूट आउट करके गोली मार दी गई अधिकारियों द्वारा, उसी तरीके से दलित समाज के साथ भी यही हो रहा है। कहीं पर जब इलेक्शन था आपने देखा किस तरीके से इस सरकार में एक महिला का छीन रण हो रहा था और इनके अधिकारी देख रहे थे और ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, और किस तरीके से एक लड़की तो हम लोगों के लड़की दलित समाज की लड़की उसके साथ में हाथरस में हादसा हुआ, वो तो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। वहां पर किस प्रकार से उसके साथ पहले बलात्कार होता है और फिर वो जब मर जाती है तो उसका शरीर भी उनके घर वालों को नहीं किया जाता है। लखनऊ से मुखिया बैठ करके निर्देश देते हैं जिला मजिस्ट्रेट को कि हम देख रहे हैं और हवाई निगाह पूरे कार्यक्रम में है और देखना है हमें किसी भी हालत में इसका शरीर इनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग उसमें अपराधी हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे चहेते हैं, इसलिए देखना कि किसी प्रकार से भी शरीर ना दिया जाए। मीडिया के लोगों को 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा के भगाने का काम किया, लाठियां तक चलानी, घर वालों को घर में जिंगले के पीछे बंद कर दिया, मां रोती रही, भिड़कती रही, तड़पते रहे घर वाले कि हमको अच्छा चेहरा ही दिखा दो, हमको मत दो, हमें अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे हो, मत दो, लेकिन चेहरा तो दिखा दो एक बार। लेकिन नहीं, निर्देश था कि हम चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, और इसलिए उन्होंने ले जाकर के रात के 2:30 बजे खेतों में जाकर के और मिट्टी का तेल डाल करके उसको शरीर के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम किया। ये पूरे देश में, विदेशों में भी देखा गया। हम लोगों का शर्म से सर पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में झुक गया, क्योंकि सबने ये दिखाने का काम किया और बताया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर इस तरह का भी हादसा होता है और खुलेआम होता है। तो ये वो सरकार है जो कि समाजवादी पार्टी का एक पर्यायवाची है, वो दोनों एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। समाजवादी पार्टी जैसे कि ब्राह्मण समाज को, और आपको याद होगा किस तरीके से एक नौजवान साथी हम लोगों का जो था कन्नौज का छिपरा मऊ का, उसको उन्होंने नीरज मिश्रा नाम का होता था, नाराज हो गए और चले गए लखनऊ ये कहते हुए कि हमें इसका कटा हुआ सर लखनऊ में देखना है, और उसके बाद उसको उठवा दिया जाता है, उसका सर काट दिया जाता है, उसका कटा हुआ धड़ में फेंक दिया जाता है, अखबारों में दिखना, मैगजीन में दिखना, फोटो भी निकली। ये वो सरकार थी, उसी प्रकार से ये भी कर रहे हैं जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्होंने तो मंच से ऐलान कर दिया था अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, जो अखबारों में छप गया था कि ब्राह्मण समाज को सबक सिखाना है, ये इनको सबक सिखाना है और इनका कोई भी काम नहीं करना है। और जब राजा राम पांडे जी जो उनके यहाँ मंत्री थे और ब्राह्मण समाज के थे लेकिन इतनी पार्टी के संस्थापक रहे थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उनकी इतनी बेइज्जती की, इतना नाराज हो गए उनके ऊपर बुजुर्ग थे वो कि उनको सबके सामने बेइज्जत करके और बाहर निकालने का काम किया, और बाहर निकालने के साथ साथ में उनका मंत्रिमंडल भी छीन लिया, उनका घर भी छीन लिया। वो इतने लज्जित हुए कि जब तक वो घर पहुंचे उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई, और सदमे में मौत हो गई। तो ये वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक तरफ बहन मायावती जी की सरकार और एक तरफ ये दोनों सरकारें। बहन मायावती जी की सरकार ने सब जन के लिए काम करने का काम किया, एक जात एक धर्म के लिए नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई डकैती फिरौती नहीं, महिलाएं सुरक्षित थी, रात के 2 बजे भी अगर उनको घर से निकलने की जरूरत पड़ती थी निडर होकर निकल जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी है और किसी की सरकार नहीं है। अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने घर से बुला करके और घर में उसने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, गरीबों की झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने 15 दिन पुरानी सरकार थी अपने घर पे बुलाया और वहीं से हथकड़ी लगा करके उसको जेल भेजने का काम किया था। मैं तो वहां स्वयं मौजूद था उस समय, और जेल में 3-4 दिन के लिए नहीं, पूरे 5 साल तक उसको जेल में रखने का काम किया था। बहन मायावती जी ने जहाँ 29,000 अम्बेडकर ग्रामों को उन्होंने समग्र विकास किया, उसके साथ साथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश का हर तरह से विकास किया। 29,000 उन्होंने
प्राइमरी स्कूल नए बनाने का काम किया, उसके साथ में उन्होंने 5000 जूनियर हाई स्कूल, 5000 हाई स्कूल नए बनाने का काम किया, 6-6, 7-7 यूनिवर्सिटी बनाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई और उसमें एक यूनिवर्सिटी लखनऊ में ऐसी बनाई जो विश्व में अपने आप में अकेली एक यूनिवर्सिटी है, जो विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से वो यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनी हुई है, जिसको कई कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। मेडिकल कॉलेज बनाए, आपके यहाँ का भी मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा उन्होंने 23 जिले बनाए, 23 जिले बनाने का काम किया। जब एक जिला बनता है तो उस जिले का हर तरह का विकास होता है, उन्होंने एक तो नहीं 23 जिले उत्तर प्रदेश को देने का काम किया, जहाँ पर बिजली की व्यवस्था बिल्कुल छजर थी। बहन मानी जी ने 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, अपने 5 साल की सरकार में उसको नए कारखाने लगवा के, एक दो नहीं आधा दर्जन से ज्यादा लगवा करके उन्होंने उसको 13.5 मेगावाट पहुंचाने का काम किया। किसानों के लिए इन्होंने तो झूठे वादे किए, जैसे महिलाओं से किए, जैसे नौजवान लोगों से किए, इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तो महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और कैसी सुरक्षा कर रहे हैं, हर दो घंटे में एक महिला का उत्पीड़न हो रहा और महिला के साथ बलात्कार हो रहा, ये सुरक्षा दे रहे हैं और इनके जो लोग करते हैं उसमें शामिल होते हैं उनको छूट दे देते हैं, कहते हैं कि इनको बचा के रखना, ये हमारे अपने आदमी हैं। गैस सिलेंडर 200 रुपए का था, उसको बढ़ा करके 1000 रुपए तक पहुंचाने का काम कर दिया, महंगाई चरम सीमा में पहुंचा दी, पेट्रोल और डीजल को जो 60 रुपए था उसको 110 पहुंचाने का काम किया। किसानों की छवि, किसानों से कहा था तुम्हारी हम 2 गुनी आमदनी कर देंगे, बहन मायावती जी ने तो किसानों को वादा किया था, उन्होंने आते ही 3 महीने में गन्ना किसानों का जो हजारों करोड़ रुपया बकाया था दिलवाने का काम किया था, इन्होंने कहा था 2 गुनी कर देंगे उनसे वोट लेने के लिए, पर 2 गुना तो नहीं किया, उनको शून्य पर पहुंचाने का काम कर दिया, और इतना ही नहीं उनकी जमीन भी छीनने की योजना बना दी। आज पूरे देश में किसान आंदोलन है, 500 से ज्यादा किसान लोगों की मौत हो चुकी इस आंदोलन में, हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्यों आंदोलित है? इसलिए क्योंकि इन्होंने उन किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की है, उन्होंने ऐसा कानून बना दिया, 3 दिन कानून बनाए जिसमें पट्टा देना पड़ेगा किसान को अपनी जमीन का, और मजबूरन देना पड़ेगा, और किसको देंगे, इनके चुनिंदा उद्योगपति जो इनके खास उद्योगपति है उनको देने का काम करेंगे। उसके बाद 1 साल वो उसका पैसा देंगे उपज का, 2 साल देंगे, तीसरे साल क्या कहेंगे, कह देंगे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बीज ठीक नहीं था, खाद ठीक नहीं थी, और उसके नाम पर उसका पैसा रोकने का काम करेंगे। और लेकिन जमीन पट्टे में दी जा चुकी होगी, वो जमीन जो है उनके हाथ में रह जाएगी, और किसान धक्के खाता रहेगा, कोर्ट कचहरी के धक्के खाएगा, लेकिन उसको जमीन उसके हाथ में आने वाली नहीं है। और ये बात किसान समझ गया कानून पढ़ने के बाद, इसीलिए वो आंदोलित है और इनके साथ में उनके साथ में हम लोग भी खड़े हुए हैं। इन्होंने नौजवानों से क्या वादा किया, नौजवानों से कहा वोट लेने के लिए हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, और नौकरी तो नहीं थी, नौकरी छीनने का काम किया, और कैसे छीनी, अपने उन्हीं चुनिंदा उद्योगपतियों को पूरा देश भेजने का काम कर दिया। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे, जहां जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, ये सब इन्होंने बेच करके निजी हाथों के नाम पे उन्हीं लोगों को देने का काम किया, चाहे वो ONGC हो, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन हो, HAL हो, एयर इंडिया हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, अब तो बैंक को भी देने का काम कर दिया, और धीरे धीरे सारे एयरपोर्ट से लेके हर चीज उन्होंने इन्हीं प्राइवेट हाथों में देने का काम कर दिया। तो नौकरी तो उनके हाथ में चली गई, नौकरियां तो वही देंगे।